उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। उधमपुर का बेटा साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। आपको बता दें कि उधमपुर के रैम्बल का रहने वाला प्रभदीप सिंह, जो कि टेनिक्विट गेम में जो है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। और जब से प्रभदीप की जो है सिलेक्शन हुई है, उसके बाद परिवार की बात करें, जहाँ आसपास के लोगों की बात करें, वो लगातार जो है प्रभदीप के घर पर पहुँच रहे और प्रभदीप को जो है वो बधाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि उधमपुर का जो है बेटा जो है वो साउथ अफ्रीका में जा रहा है और जो वर्ल्ड कप जो वहाँ पर जो होने जा रहा है, उस वर्ल्ड कप का जो है हिस्सा बनेगा। प्रभदीप ने जो है अपने परिवार के साथ साथ पूरे उधमपुर व पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। बड़ी बात है, क्योंकि एक उधमपुर का रहने वाला बेटा, उधमपुर के रैम्बल गाँव का रहने वाला बेटा जो है वो साउथ अफ्रीका में जाएगा और टेनिस क्विट गेम में जो है वो वर्ल्ड कप खेलेगा। कहीं ना कहीं पूरे जो है काफ़ी बड़ी बात है। और इस सब पर क्या कुछ परिवार का कहना है और क्या कुछ प्रभदीप का कहना है, सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस बेटे ने अपना मुकाम हासिल किया, आज ये बेटा इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। मेरी और मेरी पंचायत की इसको आशीर्वाद है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बेटा जीत के आए और हम बहुत ही बड़ा धूमधाम से जश्न मनाएंगे। मेरा नाम प्रभदीप है और मैं उधमपुर से हूँ, मतलब उधमपुर से। मैं जो टेनिस क्विट खेली थी उसके लिए मैं पहले मैं गया था जम्मू, वहाँ पर पहले मैं गुरमी सर ने, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो मेरे को लेके थे स्टेट खेलने जम्मू में, फिर स्कूल की तरफ से। फिर उधर मैंने उधर सिलेक्शन हुई मेरी, फिर जो वहाँ के जम्मू के वो थे सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने मेरी सिलेक्शन की। फिर वहाँ से मैं गया आंध्र प्रदेश खेलने, फिर आंध्र प्रदेश के वहाँ के जो लोग थे तमिलनाडु के, मुरली सर, उन्होंने मेरी गेम देखी, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। फिर मैं गया था वहाँ पर कोचिंग गेम खेलने, फिर वहाँ पर खेल के, फिर वहाँ पर मेरी 20-25 दिनों की वही ट्रेनिंग, फिर वहाँ से मेरे को सिलेक्ट किया। अब मैं जा रहा हूँ खेलने इंटरनेशनल 5th वर्ल्ड कप। खुशी तो बहुत हुई मेरे को कि मेरे को सपोर्ट बहुत मिली है, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट दिया मेरे को, खुशी बहुत हुई। मैं साउथ अफ्रीका मतलब खुश हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि जा रहा हूँ मैं खेलने। मैं भी मैसेज करना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ मतलब खेल भी वो इम्पोर्टेंट है, हर एक खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले मैं इस बेटे को और इस परिवार को, यहाँ मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 4 में, मेरी पंचायत में ये बेटा इस घर पड़ता है, मुझे बहुत ही फ़ख्र है और खुशी महसूस हो रही है कि एक मेरी पंचायत का इतना होनहार बेटा जो आइए वर्ल्ड कप खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता अरुण जी कि J&K का तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, लेकिन मेरी पंचायत का, पंचायत रैम्बल 2 वार्ड नंबर 4 का जो बेटा रहने वाला है, और जो अपने माँ बाप का तो इसने बेटे ने रोशन किया ही किया है, लेकिन मेरी पंचायत का नाम भी रोशन किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं जितने भी युवा हैं, ये जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि नशे जैसे ये नशा के हमारा दौर चल रहा है, और खेल की ओर ध्यान दें, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है लेकिन खेल की ओर ध्यान दें। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हमारा ये नौजवान प्रभदीप सिंह सपुत्र श्री त्रिलोक सिंह सरदार। आज मैं इनकी पूरी परिवार को अपने ब्लॉक उधमपुर की ओर से, आल PRI की ओर से, आल ब्लॉक की जितने भी हमारे लोग हैं उनकी ओर से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इसने जो ये 9th क्लास में पढ़ रहा है APS स्कूल उधमपुर में, मेरे ब्लॉक और पंचायत रैम्बल में, रैम्बल का ये रहने वाला है, आज बड़ी खुशी हुई हमें। आज जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि खेलो इंडिया जो अभियान चलाया हुआ है, हमारे नौजवान साथी जो हैं वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये प्रभदीप सिंह जो लड़का है, इसने एक मिसाइल कायम की। आज पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल, आज इंटरनेशनल लेवल पर ये टेनिस क्विट जो एक गेम है, ये साउथ अफ्रीका में एक फाइनल इसका जो है वर्ल्ड लेवल का जो एक गेम्स खेलने जा रहा है, हमें बहुत ही फख्र है। आज पूरे ब्लॉक का मैं ब्लॉक वासियों को कहूँगा कि इस बेटे को शुभकामनाएं दे, और जब भी उधर से आए, ये जीत के आए, मैं ब्लॉक उधमपुर और पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में इसका बड़ा धूमधाम से जश्न मनाएंगे, और ये हमारी प्रदेश में जुटी सरकार में गवर्नमेंट को एक संदेश जाएगा कि जम्मू कश्मीर की ओर से एक छोटे से खेतर, छोटे से एरिए का, एक छोटी सी फैमिली का जो बेटा है, इसने हमारा मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। मैं इसको और इसकी फैमिली को सैल्यूट करता हूँ। हमारी विशेष हैं कि ये आगे बढ़े, हमारा पूरा समाज इसके साथ है, हमारी शुभकामनाएँ इसके साथ है। जय हिंद, जय भारत।
जीत कौर है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जा रहा है खेलने के लिए, वो भी वर्ल्ड लेवल पे खेलने जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर वाले सारे बहुत खुश हैं कि ताकि आप ये हमें ये चाहते हैं कि ये जीत कर आए और हमारे उधमपुर गढ़ी रैम्बल का नाम रोशन करे, जे एंड के का नाम रोशन करे, इंडिया का तो होगा ही होगा ओबियसली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उधमपुर का भी नाम रोशन करे मेरा बेटा। क्या आपका बेटा पहले इस तरह से कहीं बाहर गया है? खासकर अगर बात करें तो बच्चे का अगर जम्मू से बाहर भेजना हो तब भी डर लगता है। जी जी। लेकिन अब आपका बेटा देश के बाहर जा रहा है। जी जी जी। हाँ जी, लेकिन पहले तो था डर, लेकिन ये पहले स्टेट लेवल पे गया था और मैं स्कूल वालों का भी बड़ा थैंकफुल करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्टेट लेवल पे इसको भेजा है। मतलब इनके स्पोर्ट टीचर थे गुरमीत सर, उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी है इसको, पहले स्टेट लेवल पे पहुंचाया, फिर स्टेट लेवल से उधर चीफ सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कौसर जबीन, उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी है, प्रेसिडेंट हैं टैनिक वाइट के, उन्होंने राजू सर, उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी है, अंगद सर थे, इशाक सर, सभी ने जिन्होंने भी इसका मतलब सपोर्ट किया है, उनमें सभी का मतलब थैंक यू करना चाहती हूँ। और बाकी ये डर की बात है, लेकिन पहले था डर, लेकिन अब कोई डर नहीं है, मुझे कोच सभी इसके साथ हैं और मुझे ये भी खुशी है, गर्व होगा कि इंडिया का नाम रोशन होगा और हमारी उधमपुर का भी होगा।